नोएडा के 81 गांव और ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी दादरी के तमाम गांवों के किसान पिछले कई महीनों से नोएडा के एनटीपीसी और नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। कल भारी संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उनको बॉर्डर पर ही रोक लिया, जिसके कारण पूरे नोएडा में भारी जाम देखने को मिला। जब किसान दिल्ली बॉर्डर के पास बैठ गए तो नोएडा के कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आश्वासन के बाद वह वहां से उठे और रात 9 बजे के बाद किसानों और पुलिस अधिकारी और नोएडा के जिलाधिकारी के साथ बैठक हुई, जहां उन्हें आश्वासन दिया गया कि 11 से 12 तारीख तक उन्हें उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। वहीं किसान नेता सुपर हिट खलीफा का कहना है कि उन्हें भी 11 से 12 तारीख की मोहलत मिली है। अगर इस बीच उन्हें कोई काम होता नज़र नहीं आए तो इस बार भी भारी संख्या में किसी दिल्ली की तरफ पूछ करेंगे, अपनी मांगों को मनवाकर मानेंगे। किसान नेता सुखबीर खलीफा का कहना है कि एनटीपीसी दादरी में जो ज़मीन ली थी उसका सामान्य मुआवजा ग्रामीण को दिया जाए। जिन किसानों की ज़मीन ली गई थी वह स्थानीय रोजगार की बात कही गई थी, वह मिले सबको अतिरिक्त मुआवजा और 10% प्लॉट की बात भी उन्होंने कहा। अगर इन सब बातों पर मोहर नहीं लगती तो आंदोलन यूं ही चलता रहेगा।